अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसामीन, स्लीप इंडस्ट्री, नींद का कारोबार, एक ऐसा कारोबार जो नींद से मुतालिक मसनूआत या खिदमात फराहम करता है, जैसे गद्दे हो गए, बिस्तर या नींद से मुतालिक तबी खिदमात। इसमें वो स्टोर शामिल हो सकते हैं जो बिस्तर और गद्दे बेचते हैं, वो कंपनियां जो नींद के मसनूआत तैयार करती है, वो क्लिनिक जो नींद के अमराज का मुतालिया करती है, वो इलाज, स्लीप कंसल्टेंट, स्लीप मास्क, ईयर प्लग बनाने वाला, ये सब हो सकते हैं। फोम का जो काम करते हैं, कारोबार मुख्तलिफ किस्म के, तो मुख्तलिफ किस्म के इसे फोम फरोख्त करना जिसमें इनर स्प्रिंग हो, मेमोरी फोम हो या लेटेक्स वगैरह हो, वो बिस्तर के दूसरे मसनूआत भी जो है आप बेच सकते हैं, जैसे चादरें और तकिए जो नींद लाने में मुअसर हो। ये बहुत बड़ा मसला है। नींद का एक क्लिनिक भी हो सकता है। ये तबी सहूलियात, नींद की खराबियों की तशखीस और इलाज में महारत रखने वाले डॉक्टर जो है होने चाहिए, जैसे बेख्वाबी और नींद की कमी, नींद के मुताले की पेशकश आप कर सकते हैं, जैसे पोलिसोमिंग्राफी और इलाज के इख्तियारात है जिसको थेरेपी फराहम करते हैं। नींद की जो है आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, जैसे पेशावर अपराध हो आपके पास, ऐसे एक पेशावर बन जाए ताकि नींद की आदत को बेहतर बनाने और नींद की खराबी पर काबू पाने में मदद में आपसे जो है लोग ले सके। खिदमात में नींद की जायजे, जरूरत नींद के मनसूबे और फॉलो अप सपोर्ट मिल सके। नींद के मसनूआत आप बना सकते हैं और ऐसे कंपनी अभी सिर्फ नींद के मसनूआत के एक वसी रेंज जो है वो डिजाइन और तैयार करती है, और मुख्तलिफ जो है इस तरह फोम होते, तकिए होते हैं और मास्क वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ एक चेन आप बना सकते हैं होटलों का, जिसमें जो है इस तरह आरामदेह बिस्तर हो, आरामदेह माहौल हो, पेमेंट हो, इस तरह नींद दिलाने के लिए, और क्योंकि लोगों को मसला है बहुत, इस तरह के होटल भी कामयाब हो सकते हैं। आप इस तरह जो है ऑनलाइन चीजें बेच सकते हो जो नींद दिलाने में जो है फायदेमंद हो, याद भी हो सकती है, हर्बल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, इस तरह पोम वगैरह, तरह की मुख्तलिफ चीजें, और नींद से मुतालिक बहुत से गैजेट्स जो है वो हो सकते हैं, या जो है ये वाइट जो शोर वाले मशीनें हैं नींद दिलाने में जो है काफी मौसर साबित हो सकती है। एक वसी रेंज है इसमें जो तरजीहत और जरूरियात के मुताबिक जो है मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। इस तरह एक दूसरी इंडस्ट्री है टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें किसी भी शोबे के साथ आप जुड़ जाते हो तो आप कामयाब रहेंगे। टेली कम्युनिकेशन सर्विस जैसे टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस फराहम करना, ऐसे कंपनियों में शामिल होना जो नेटवर्क चलाती हो, इसकी आलात की सर्विस जो दे रहे हो, इसकी सरहद की जो खास खसूसियत है वो है कम्पिटिशन और तेज रफ्तारी से इसमें चेंज। इसमें बहुत तेजी के साथ जो है आपको वक्त के साथ बदलना होता है, तकनीकी तब्दीलियां है उसको समझना होता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मुकाबले के मुसाबिकत के बुनियाद पर है, तो इसमें मुसलसल जो है ये लोग सरमाकारी इस तरह करते हैं और इस तरह जो है ये खिदमात जो है ये देते हैं। तो इंडस्ट्री को आप कई हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें जो है वायर्ड भी है और वायरलेस भी है, दूरी और मुकामी खिदमात इसमें है, आवाज है और डेटा सर्विसेज है इसमें। इसमें 4G और 5G का जो है अब आजकल सिलसिला आ रहा है, इसमें वो वर्ल्ड सर्विसेज है और इसमें जो है रिवायती लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज है, और जबकि वायरलेस सर्विसेज में जो है सेलुलर फोन सर्विसेज के साथ साथ मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, बैन अक्वामी कॉलिंग जो है इसमें शामिल है। डेटा सर्विसेज में जो है इंटरनेट तक रसाई, डिजिटल कम्युनिकेशन की दीगर अकसाम जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, मजीद मुस्तकबिल में जो है इसमें बहुत जिद्दत और कारोबारी मौके पैदा होंगे। इसके अलावा जो है कुली का बिजनेस, एक ऐसा कारोबार जो मोरिंगा से बनी मसनूआत तैयार और फरोख्त करता है। ये मोरिंगा जो है गजायत से भरपूर पौधा है, अफ्रीका और एशिया में काश्त किया जा सकता है। कंपनी की मरकजी मसनूआत मोरिंगा पर मबनी एक लाइन है इसकी, बाकायदा मोरिंगा पाउडर और मोरिंगा जो सप्लीमेंट्स है का सर्विस वो देती है। कुली मोरिंगा के जरिए जो है सेहत के फवायद को फरोख देना होता है, पौधे उगाने वाले छोटे पैमानों पर किसानों की उसके साथ मदद करना, और फिर वो मोरिंगा जो है उनसे खरीद फिर दूसरी दुनिया में जो है वो उसको देना। और इसकी बुनियाद 2012 में लीजा क्रट्स ने रखी थी, एक रजाकार था और मोरिंगा पर काफी जो है उसने रिसर्च किया था और काफी जो है इससे सेहत से मुताल बहुत से फवायद जो है उसने दरियाफ्त किए थे। ये बहुत विटामिन वाला, मादनियात वाला और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर पौधा है, प्रोटीन का अच्छा जरिया भी है, रिवायती अद्वियात में सदी उसे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके जो है बहुत से मसनूआत होते हैं जो की गिरीदार मेवे और मुख्तलिफ बीजों से है अद्वियात बनते हैं, मुख्तलिफ जायके इससे बनते हैं, मुख्तलिफ जो है इसके पाउडर और सप्लीमेंट है, इसी मुतीज सूप और दीगर कानों में जो है उसको शामिल भी किया जा सकता है। तो ये एक कारोबारी मॉडल है जो मालियाती इस्तेहकाम के साथ समाजी और माहौलियाती असरात को यकजा करके जो है चल रही है, और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो है जैसे फोर्ब्स इनकॉर्पोरेटेड और एंटरप्रेन्योर में जो है इसको नुमाया किया गया है। तो इसलिए एक बिजनेस मॉडल है, यानी मोरिंगा के मसनूआत बनाना, मोरिंगा से जो है सप्लीमेंट बनाना, पूरी दुनिया में जो है इसकी डिमांड
इसके अलावा इन चीज़ों को डिजिटल स्किल्स कहते हैं जो आपको मैं गिनवा रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसमें पैसे ही पैसे हैं, वो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो और उसकी सर्विसेज भी दे सकते हो, उससे जॉब्स भी हासिल कर सकते हो और उससे जिंदगी भर जो है आप कमा सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज फ्रीलांसिंग में जो है आप उसको यूज कर सकते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो उससे आप बहुत ज़्यादा रकम जो है वो कमा सकते हो। उसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मसलन पैथन, जियो, जावा, C++ वगैरह। इस वेब डेवलपमेंट HTML सीखना, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना, डेटाबेस मैनेजमेंट सीखना यानी SQL वगैरह सीखना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी WordPress वगैरह सीखना, डिजिटल मार्केटिंग यानी SEO, PPC, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, Adobe Creative जो सूट है वो सारा सीखना, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन यानी एक्सेल और टेबल्यू सीखना, साइबर सिक्योरिटी सीखना, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, थ्रेट इंटेलिजेंस में शामिल है, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, Azure, गूगल क्लाउड वगैरह, यूजर एक्सपीरियंस, UX डिजाइन, यूजर इंटरफेस, UI डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी अगले स्क्रम, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, iOS और Android दोनों, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव डिजाइन, डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO, डिजिटल एनालिटिक्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन टूल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा। जो भी सर्विस आपको मिले वो आप सीखे, बस आप जो है रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आप पैसे कमाएं।